मिलिए राम और गोपाल से। ये दोनों मिस्त्री दोस्त हैं जो अलग अलग साइट पर काम करते हैं। गोपाल को यही यकीन था कि वो जीवन भर कम भत्ते और लंबी शिफ्ट में ही काम करता रहेगा, जब तक वो राम से उसकी साइट पर जाकर नहीं मिला था। गोपाल हैरान रह गया जब उसने देखा कि राम को दोगुने पैसे मिल रहे थे उसी कॉन्ट्रैक्टर से जिसने कुछ देर पहले उसे आधे पैसे दिए थे। गोपाल की हालत देखकर राम ने अपने दोस्त की मदद करने की सोची और उसे अपनी कामयाबी की वजह बताई। राम निश्चित करते हैं कि साइट पर सही कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस का इस्तेमाल हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का सही चुनाव हो और जरूरी टूल्स मौजूद हों। इन सब ने राम का समय तो बचाया ही, साथ में काम की क्वालिटी बढ़ाई और कंस्ट्रक्शन में होने वाली परेशानी को भी कम किया। नतीजा, अच्छे काम की बात घरों के मालिकों ने अपने दोस्तों को बताई, जिससे काम मिलते रहे और कमाई भी बढ़ती गई। यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि राम ने बिरला शक्ति सीमेंट को अपना सीमेंट पार्टनर चुना, जिन्होंने उसे मेसन मीट में कंस्ट्रक्शन के सही तरीकों की जानकारी दी। इन सब बातों ने गोपाल को भी प्रेरित किया सही और सफल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस अपनाने की। नमस्कार, इस मॉड्यूल का उद्देश्य है आपको मकान बनाने के सही और सफल तरीकों के बारे में बताना, और आपके लिए ये अहम जानकारी लाया है बिरला शक्ति सीमेंट, एक ब्रांड जो भविष्य की इमारतों को बनाने की सोच रखता है, जिससे आप सभी का घर सर्वोच्च क्वालिटी का बने। बिरला शक्ति पीपीसी सीमेंट बाकी सभी ओपीसी सीमेंट से बेहतर है क्योंकि इसमें क्रैक पड़ने की संभावना कम है, साथ ही होता है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन, यह ज्यादा मजबूती देगा क्योंकि इसमें है सेकेंडरी जेल फॉर्मेशन जो इमारत की मजबूती को समय के साथ और बढ़ाता है। सन 1969 में प्रतिष्ठित बीके बिरला ग्रुप ने केसोराम इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। देश के सर्वोच्च सीमेंट निर्माता को हम बिरला शक्ति सीमेंट के नाम से जानते हैं। तब से बिरला शक्ति सीमेंट भारत में सीमेंट के लिए पहली पसंद बन गया। इनकी हमेशा कोशिश रही है ये क्वालिटी उत्पाद बनाएं और ग्राहक की बदलती जरूरतों को पूरा करें। मैं बिरला शक्ति सीमेंट का इस्तेमाल करता हूं निर्माण से जुड़े हर काम के लिए, जैसे कि फाउंडेशन, पीसीसी, मेसनरी, प्लास्टरिंग और फ्लोरिंग भी, और मुझे जो नतीजे मिले हैं उनसे मैं 100% संतुष्ट हूं। इसकी मजबूती के कारण, खासकर प्लास्टरिंग में कोई भी क्रैक नहीं हुआ। बिरला शक्ति सीमेंट एक ब्रांड है जिसे मैं हर किसी को खरीदने के लिए प्रेरित करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सभी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जिनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किसी भी इमारत के निर्माण का पहला चरण होता है मटेरियल का चुनाव, क्योंकि इसी पर बिल्डिंग की मजबूती और उसकी उम्र निर्भर करती है। इसीलिए आप जब भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल खरीदें तो इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा जेन्युइन और अच्छी क्वालिटी का सीमेंट ही खरीदें जिसके बैग पर ISI मार्क हो और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हो। रेत हमेशा साफ होनी चाहिए। बारीक रेत प्लास्टरिंग के लिए बेहतर है और मोटी रेत को कंक्रीटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। गिट्टी समान होनी चाहिए। 40 mm साइज रोड निर्माण के लिए उपयुक्त है। नॉर्मल कंक्रीट के लिए 20 mm और 10 mm साइज की गिट्टी 60 और 40 के अनुपात में होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करें।
हमेशा जंग रोधक टीएमटी बार्स का ही इस्तेमाल करें जिस पर बीआईएस मार्किंग हो। ईंट अच्छी क्वालिटी और समान आकार की होनी चाहिए। ईंटों का एब्जॉर्प्शन टेस्ट पास होना चाहिए। ईंट 3 मीटर की ऊंचाई से गिरने पर टूटनी नहीं चाहिए। बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, खासकर की मटेरियल का चुनाव, जैसे कि रेत, सीमेंट, स्टील, गट्टे, ईंट इत्यादि, इन सब की क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो गट्टे हों, स्टील हो, रेत हो, ईंट इत्यादि, खासकर की सीमेंट। जब सीमेंट की बात होती है तो लोग कोई भी मौजूद सीमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो इमारत को मजबूत बनाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। हमें बेहतरीन क्वालिटी और अच्छे ब्रांड का सीमेंट ही इस्तेमाल करना चाहिए जो कंस्ट्रक्शन को मजबूत करेगा। फाउंडेशन सही हो, यह बहुत जरूरी है। आइए, फाउंडेशन खोदने से पहले किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में जानते हैं। फाउंडेशन को मिट्टी की कड़ी परत तक खोदें और अगले 24 घंटों के लिए पानी से भरें। दीमक रोधक का इस्तेमाल करें। पीसीसी की पहली लेयर को 6 इंच रखें। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जरूर करें। जमीन और मटेरियल के चुनाव के बाद फाउंडेशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन का नक्शा इमारत की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से होता है। फाउंडेशन मुख्य 2 प्रकार की होती हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। फाउंडेशन के चुनाव के बाद अगला चरण है प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम एक डिजाइन होता है जिससे इमारत की उम्र बढ़ती है, क्योंकि यह उसे जमीन में होने वाले सीपेज से बचाता है। इसलिए प्लिंथ बीम जमीन के लेवल से ऊंची होनी चाहिए। प्लिंथ बीम के बाद बात करते हैं कंक्रीटिंग की। कंक्रीटिंग 3 तरह की होती है। आर्चेस और हाई लोड कॉलम में कंक्रीटिंग 1:1 और 2 के अनुपात में होनी चाहिए। कॉलम, बीम, स्लैब, सीढ़ी इत्यादि में 1:1.5 और 3 के अनुपात में या उससे ज्यादा ग्रेड की होनी चाहिए। पीसीसी फाउंडेशन, मास कंक्रीट इत्यादि में 1:3 और 6 के अनुपात में या 1:4 और 8 के अनुपात में होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और कॉलम रीइंफोर्समेंट चेकिंग के बारे में जानते हैं। कंक्रीट कॉलम स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है जिसकी अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। कुछ अहम बातें हैं जो आपको इसके निर्माण के वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, वो हैं: कंक्रीटिंग मिक्स डिजाइन के हिसाब से होनी चाहिए। टारगेट स्लम 160 मिलीमीटर होना चाहिए। कंक्रीट गिराने की ऊंचाई 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉलम में जॉइंट्स नहीं होना चाहिए और कॉलम कंक्रीट में कॉम्पैक्शन करते वक्त वाइब्रेटर या स्टील बार का इस्तेमाल करें। कॉलम कंक्रीटिंग के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण है शटरिंग, जो मजबूत निर्माण में हमारी सहायता करता है। शटरिंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। शटरिंग स्टील या नई प्लाईवुड की होनी चाहिए। फॉर्मवर्क हटाने का काम इंजीनियर के निर्देश से होना चाहिए। फॉर्म्स को क्रोबार्स के इस्तेमाल से नहीं हटाना चाहिए। इसके बाद होता है स्लैब कास्टिंग और इसको सफलतापूर्वक करने के लिए कामगारों की सही संख्या तय करें। जरूरी मटेरियल और इक्विपमेंट को एक अच्छे डीलर से काम शुरू करने से पहले मंगवा लें। बारिश से बचाव की व्यवस्था रखें, जैसे कि पॉलिथीन शीट, और एक सही वाइब्रेटर का इस्तेमाल करें। अगला महत्वपूर्ण चरण है कॉन्क्रीट मिक्सिंग। अगर हम इसे सही से करेंगे तो कंक्रीट की मजबूती लंबे समय तक रहेगी। बेहतर कंक्रीट बनाने के लिए कंक्रीट मिक्सर्स का प्रयोग करें। मटेरियल को कम से कम 2 मिनट के लिए मिलाएं एक समान रंग पाने के लिए। पहले रेत और सीमेंट डालें, फिर गिट्टी और आखिर में पानी। एक सीमेंट के बैग में करीब 25 से 28 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करें। अगर मसाला हाथ से मिक्स करना हो तो उसे एक सख्त फर्श पर मिलाएं और 10% ज्यादा सीमेंट मिलाएं। मिलाने के बाद कंक्रीट को उसकी जगह पर तुरंत पहुंचा दें और कभी भी सूखे कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करें। अगला चरण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कंक्रीट कॉम्पैक्शन। यह कंक्रीट की मदद करता है
उसे उसकी अधिकतम मजबूती पर पहुंचाने के लिए। कंक्रीट को वाइब्रेट करें जब तक उसकी सतह पर पानी की पतली परत नहीं बन जाए और आखिर में उसे फट्टे से समतल करें। कंक्रीट के सख्त होने के बाद क्योरिंग प्रोसेस शुरू करें। किसी नोकीली वस्तु से मार्क करके चेक करें। कंक्रीट की कम से कम 14 दिनों तक तरावट करें। कोशिश करें कि कंक्रीट इन दिनों कभी गीला और कभी सूखा नहीं रहे। अच्छी क्योरिंग से मजबूत कंक्रीट बनता है। गर्मियों में क्योरिंग जल्दी शुरू करें जिससे क्रैक नहीं पड़े। ईंटों का काम एक महत्वपूर्ण चरण है जिसको आर्किटेक्चरल डिजाइन और जरूरत के हिसाब से किया जाता है। इसलिए ईंटों की तरावट करें इस्तेमाल करने से पहले। किसी भी जॉइंट की मोटाई 10 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 9 इंच की ब्रिक के लिए 1:6 अनुपात में सीमेंट मोर्टार मिक्स रखें। 4.5 इंच की ब्रिक के लिए 1:4 के अनुपात में सीमेंट मोर्टार मिक्स रखें। कम से कम 10 से 14 दिनों तक तरावट करें। ईंटों का काम पूरा करने के बाद होती है प्लास्टरिंग। यह इमारत की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक बहुत जरूरी काम है। यह ब्रिक और कंक्रीट मेसनरी के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। ईंटों की दीवार पर प्लास्टर की मोटाई 12 मिलीमीटर होनी चाहिए। कंक्रीट की दीवार पर प्लास्टर की मोटाई 9 से 15 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए। सीमेंट और सैंड के मिक्स का अनुपात 1:3 या 1:6 के अनुपात में हो सकता है। प्लास्टर की पहली परत को स्क्रीट से बनी जगह पर लगाएं। फट्टे की मदद से सतह को समतल करें। पहली परत को सेट होने दें पर सूखने नहीं दें। प्लास्टर को स्क्रैचिंग टूल से खुरदरा करें। यह दूसरी परत के लिए जरूरी है। चिकन मेश वायर का जॉइंट्स पर इस्तेमाल करें दीवार को क्रैक से बचाने के लिए। अब पहली परत की तरावट करें और दूसरी परत को बराबर लगाएं। फिनिशिंग कोट की मोटाई 2 से 3 मिलीमीटर हो सकती है। सीमेंट और सैंड के मिक्स का अनुपात 1:4 या 1:6 हो सकता है। 10 से 14 दिन तक तरावट करें। बिरला शक्ति सीमेंट की पीपीसी ग्रेड सीमेंट से आप सभी तरह के काम कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, कंक्रीटिंग, मोल्डिंग इत्यादि। यह सभी तरह के काम बिरला शक्ति सीमेंट की पीपीसी सीमेंट कर सकती है। आप इन सभी चरणों को सही से पूरा कर पाए इसके लिए बिरला शक्ति सीमेंट आपको देता है कस्टमर वैल्यू एडेड टेक्निकल सर्विस। बिरला शक्ति सीमेंट की टेक्निकल वैन अपने कस्टमर्स को उनकी जरूरत के अनुसार ऑन साइट सपोर्ट देती है। उनमें से कुछ सेवाएं हैं। साइट डेमोंस्ट्रेशन, यह निश्चित करता है साइट पर अच्छी क्वालिटी और नई कंस्ट्रक्शन तकनीक का इस्तेमाल हो। री इन्फोर्समेंट चेकिंग, यह निश्चित करता है अच्छी मजबूती और कंक्रीट ढांचे की लंबी उम्र। स्लैब सुपरविजन, ये सुनिश्चित करता है इमारत को उच्चतम मजबूती और आयु मिले। एग्रीगेट सीव एनालिसिस, यह सुनिश्चित करता है कि गट्टे सही आकार में हों। सैंड सिल्ट कंटेंट टेस्ट, यह निश्चित करता है कि रेत में सिल्ट की मात्रा कितनी है। 5% से अधिक मात्रा होने पर रेत का इस्तेमाल नहीं करें। स्लम्प चेकिंग, यह कंक्रीट में पानी और सीमेंट का अनुपात सुनिश्चित करता है। यह मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। ट्यूब कास्टिंग और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग, इससे हम कंक्रीट की क्वालिटी की जांच करते हैं। रीबाउंड हैमर टेस्टिंग NDT, यह मदद करता है कंक्रीट की हर उम्र में मजबूती जांचने। टेक्निकल टीम की सलाह की वजह से हम ब्रिक्स, सैंड और गट्टों की मजबूती जांच पाते हैं। बिरला शक्ति सीमेंट आपको इको फ्रेंडली उत्पाद देता है जिसके लिए उन्हें मिला है ग्रीन को प्लेटिनम अवार्ड। बिरला शक्ति सीमेंट आधुनिक उपकरणों की सेवाएं भी आपको देता है। बिरला शक्ति सीमेंट ने अपनी सेवाओं और उत्पादों से एक बड़ा सफर तय किया है जिसके लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। बिरला शक्ति सीमेंट अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स के विकास के लिए हमेशा साथ खड़ा रहता है। हम आपका स्वागत करते हैं इस विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए।